तो ये बात तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि फायर ने कैसे ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प करी है हमारे एग्जिस्टेंस के अंदर, कैसे हम लोग आग के बिना सरवाइव नहीं कर पाते, कैसे हम लोग आग को यूज़ कर बड़े बड़े एनिमल्स को दूर भगा दिया करते थे। लेकिन ये जो आग है ये कभी कभी हम लोगों के लिए भी डेंजरस हो जाती है, कभी कभी इसी आग से बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स भी मरे हैं। फायर एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है, लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग आग को बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लोग दिवाली पे पटाखे भी फोड़ सकते हैं, और ऐसे ही पटाखे फोड़ते फोड़ते एक दिन मैंने अपने घर के अंदर आग ही लगा डाली थी। अब उस आग को जैसे तैसे कर हम लोग कंट्रोल में तो लेकर आ गए थे फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर, लेकिन अब देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर कि कैसे फायर ने हम ह्यूमन बीइंग्स की किस तरीके से डेवलप होने में हेल्प करी है। और हम लोग यहाँ पर यह भी जानने वाले हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आग के बारे में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाले हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स को यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और अपने घरों के लिए और कुछ ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो जैसा कि डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे हम लोग कुकिंग के लिए डिफरेंट फ्यूल यूज़ करते हैं, कार्स के अंदर डिफरेंट फ्यूल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपसे कुछ फ्यूल्स के नाम पूछे गए हैं, आप उनका नाम बता सकते हैं। नेम ऑफ यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर जो यूज़ होते हैं उन फ्यूल्स का भी आप नाम बता सकते हैं। What fuels are used for running automobiles? Automobiles को run करने के लिए कौन से fuels use होते हैं ये भी आप बता सकते हैं। Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas CNG, etc. You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of fuel like coal? दोनों में difference क्या होता है? Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame, whereas coal doesn't. Coal क्या करता है? Coal flame वगैरह नहीं देता जितना हमें candle flame से burn करती है। जब burn करती है तो वो flame produce करती है। Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. तो इन process के through क्या chemical हमारे reactions होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। What is combustion? Combustion क्या चीज़ होती है यहाँ पर ये बताया गया। Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7th. We learned that magnesium ribbon, magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. जब magnesium ribbon को हम लोग burn करते हैं तो क्या चीज़ होती है? Magnesium oxide form होती है, और क्या? Heat और light भी produce होती है. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Charcoal के साथ भी कर सकते हैं. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame or a candle or a Bunsen burner. What do you observe? तो इनको किसी जलने वाली चीज़ के पास लेकर चले जाइए, एक चारकोल का टुकड़ा, तो आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे? वी फाइंड दैट चारकोल्स बर्न इन एयर। वी नो दैट चारकोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो जब चारकोल बर्न होता है तो क्या क्या चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट को। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। एक केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस क्या देता है, सब्सटेंस हमें हीट दे रहा है, उस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन। ठीक है, ये वाली आपको डिफाइन लर्न होनी चाहिए। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। जो भी सब्सटेंस जल रहा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कंबस्टेबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, या फिर उसे हम लोग फ्यूल भी बोल सकते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड हो सकता है, फ्यूल लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकती है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। तो जो ये जो लाइट भी प्रोड्यूस हो जाती है जब कोई फ्यूल बर्न हो रहा होता है, तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लाइट भी प्रोड्यूस होती है। इन द रिएक्शंस
मेंशनड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो जो मैग्नीशियम और चारकोल हैं वो क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस जल रहे हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी। तो यहाँ पर एक हमारे ये बुजो हैं, पहेली और बुजो ये दोनों आते रहते हैं। तो यहाँ पर बुजो ने ये पूछा है कि जो फूड है वो भी क्या है, एक तरीके का फ्यूल है। राइट, सो इन अवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये बात सही है कि फूड हमारे लिए एक तरीके का फ्यूल है। ये ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर कैसे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन से ऑक्सीजन के और हीट प्रोड्यूस होती है। और ये सारी चीज़ें हमने कब पढ़ी थी, क्लास सेवेंथ के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। एक्टिविटी 6.1 के अंदर क्या बताया गया है, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक स्ट्रॉ, वो पानी वाला नहीं, जो लकड़ी का भूसा टाइप जो होता है स्ट्रॉ, मैचस्टिक हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, पेपर हो गया, और आयरन नेल हो गया, स्टोन पीस हो गए, ग्लास हो गया, एसेक्ट्रा हो गए। ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ द मटेरियल वन बाय वन। इफ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टेबल, अदरवाइज मार्क इट एज नॉन कंबस्टेबल। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी चीज़ें दी गई हैं अगर आप इनको बर्न करना स्टार्ट करोगे और अगर ये बर्न हो जाती है तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंबस्टेबल, और अगर ये बर्न नहीं होती तो ये क्या हो जाएंगी, नॉन कंबस्टेबल। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रॉ क्या होगा हमारा, कंबस्टेबल, मैचस्टिक कंबस्टेबल, कैरोसिन ऑयल कंबस्टेबल, पेपर कंबस्टेबल, आयरन नेल नॉन कंबस्टेबल, स्टोन पीस नॉन कंबस्टेबल, ग्लास नॉन कंबस्टेबल। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब एक दूसरी भी एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने कैंडल ले ली है, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर रख दिया है, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट द एयर कैन एंटर द चिमनी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रखना है ग्लास को। देखो फर्स्ट केस में क्या करा है हमने, ए वाले केस के अंदर हमने इस तरीके से कैंडल को रखा और साइड से दो वुडन या वुडन बॉक्स लगा दिए हैं, वुड के छोटे छोटे पीसेस लगा दिए और उसके ऊपर ग्लास रख दिया है। साइड से एयर आ सकती है इसके अंदर, यहाँ से साइड से एयर आ सकती है तो ये बर्न कर रही है, लेकिन हमने इन वुड के पीसेस को हटा दिया और इसको डायरेक्टली इसके ऊपर रख दिया जो हमारा कांच का था। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो चिमनी थी इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पर हम ये देखना स्टार्ट कर देते हैं कि थोड़ी ही देर में ये बुझ गई कैंडल। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। थर्ड वाले केस में भी हमने क्या करा, थर्ड वाले केस में ऊपर से भी कवर कर दिया, एक हमने ओपन ग्लास लिया जो इस साइड से भी ओपन है और इस साइड से भी, अब इसको हमने एक वुडन बॉक्स से कवर कर दिया, इसको भी नीचे एक वुड के पीस से। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस केस में भी कैंडल बर्न नहीं हुई। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, व्हाट वॉच द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपेंस इन थ्री केसेस। अब इन तीनों केसेस में क्या हुआ, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न अनइफेक्टेड, कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो इन दो केसेस में जब हमारी ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट नहीं थी तो कैंडल्स बर्न नहीं हो रही थी बी और सी के अंदर, लेकिन ए वाले केस के अंदर जब ऑक्सीजन या फिर एयर प्रेजेंट थी तो हमारी कैंडल बर्न हो रही थी। तो यही हम लोगों को इस ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। एयर क्या है, नेसेसरी है कंबशन के लिए। द कैंडल्स बर्न फ्रीली इन केस ए, केस ए के अंदर बड़े आराम से जलती हैं क्योंकि उनके पास एयर प्रेजेंट होती है। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, इन केस बी, केस बी के अंदर क्या होता है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लेम फ्लिकर मतलब कि फ्लेम क्या हो गया, बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो इस वजह से वहाँ पर क्या हो गया, स्मोक का आपको थोड़ा सा धुआं निकलते हुए दिखेगा। इन केस सी के अंदर क्या हुआ, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। तो इस केस में भी क्या होता है, फ्लेम चले जाता है, जो आग होती है कैंडल की वो बुझ जाती है क्योंकि आसपास एयर प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट में क्या बताया गया, बुजो को फिर दोबारा कोई सवाल पूछना है। व्हेन वी रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। तो जो सन है क्या वो भी कोई टाइप का कंबशन कर रहा है या कोई प्रोसेस है जिसको कंबशन बोल सकते हैं हम लोग। तो इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इस वजह से सन के अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस इन हायर क्लासेस। जब आप बड़ी क्लासेस के अंदर आ जाएंगे तब अच्छे से इस प्रोसेस को समझेंगे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है,
6.3 के अंदर हमें ये बताया गया, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन अ आयरन प्लेट और तवा। तो क्या करना है हमें, आयरन प्लेट या फिर तवा के ऊपर हम लोगों को क्या, एक बर्निंग वुड, पीस ऑफ बर्निंग वुड या फिर चारकोल का रखना है। कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, इनमें से कोई भी चीज लेनी है और इनसे कवर कर देना है हमें, या तो ग्लास से कर देना है कांच के, जिससे कि हम लोग देख पाए कि अंदर क्या चल रहा है। अब तुम्हें ऑब्जर्व करना है, डस चारकोल स्टॉप बर्निंग, क्या चारकोल बर्न करना स्टॉप कर देता है आफ्टर सम टाइम। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप्स बर्निंग, क्यों बर्न करना स्टॉप कर देता है वो। तो यहाँ पर तो बड़ा ही आसान सा आंसर है कि जिस वे की वजह से कैंडल ने बर्न करना स्टॉप करा था, इसी वजह से हमारा चारकोल भी बर्न करना बंद कर देगा। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि अगर कहीं पे आग लग जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग गई या फिर आसपास उसके आग लग गई, तो हम लोग उसको कवर कर देते हैं किससे, हम लोग ब्लैंकेट से। ब्लैंकेट से क्यों कवर कर देते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट से एयर पास नहीं होती। तो जब हम लोग उसे ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं तो ऑब्वियसली जो आग जल रही होती है उसे एयर नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो बर्न करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर दिखाया गया एक हमारा ये बंदा है, चंपू नाम रख देते हैं इसका, चंपू के कपड़ों में आग लग गई तो उसको फटाफट क्या कर दिया, ब्लैंकेट से हम लोगों ने कवर कर दिया। जब चंपू को ब्लैंकेट से कवर कर दिया तो चंपू को फिर आग और ज़्यादा फैल नहीं पाई, तो चंपू बच गया। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, डिज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या मैचस्टिक अपने आप बर्न करती है, नहीं करती। तो कैसे बर्न करती है, यू मस्ट हैव हर्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, मैचस्टिक अपने आप नहीं जलती, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जब उसको मैच बॉक्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, घिसते हैं, तब जाके हमारी मैचस्टिक जलती है। यहाँ पर क्या बताया गया कि अब पेपर है, जब हम पीस ऑफ पेपर को पास में लेकर आते हैं मैचस्टिक के, तब वो जल जाएगा पीस ऑफ पेपर, यही बताया गया है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट, तो यही सेम चीज़ अगर हम लोग वुड के साथ करें तो क्या वुड भी कैच कर लेगी फायर, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वुड को थोड़ी टाइम तक चाहिए होती है आग, तब जाके जल पाती है वो। व्हाई डू यू हैव टू यूज पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। तो यही चीज बताई गई है कि हम लोग ये जो है वुड है और कोल है, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमें फायर स्टार्ट करनी होती है, सॉरी कैरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग जब भी हमें स्टार्ट करनी होती है वुड के अंदर या फिर कोल के अंदर फायर, या फिर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, फ्रॉम ग्रासेस इट स्प्रेड्स टू ट्री एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। अब ये वाली जो आग होती है इनके बारे में तुमने बहुत रिसेंटली भी सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक ऐसी फायर लगी थी। तो क्या हो जाता है कि जो ग्रास होती है वो गर्मी की वजह से, इतनी गर्मी हो जाती है कि वो गर्मी की वजह से फायर कैच कर लेती है, और जब ग्रास नीचे से फायर कैच करना स्टार्ट करती है तो जो आसपास के ट्रीज होते हैं वो भी कैच कर लेते हैं फायर को, और वो भी जलने लग जाते हैं। तो ये वाली जो फायर होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, डू यू हैव द एक्सपीरियंस टेल दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस होंगे वो डिफरेंट टेम्परेचर पे फायर कैच करते हैं, ये बात देखो कहीं हद तक सही है। जैसे पेपर का हमने एग्जाम्पल लिया था, पेपर को जब मैचस्टिक से बर्न करने की कोशिश करी तो क्या होता है कि वो बर्न हो जाता है तुरंत, लेकिन वही अगर हम लोगों ने मैचस्टिक लेके वुड के नीचे रख दी तो वो हमें बहुत टाइम तक रखनी पड़ेगी, मतलब वुड को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी तो जाके वो बर्न होगी, यही सेम केस हो रहा है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटांस कैचेस फायर, जो सबसे कम टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी सब्सटांस के अंदर फायर प्रोड्यूस करने के लिए, उसे जलाने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। अब बच्चे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग टेम्परेचर भी एक तरीके से इसे समझ सकते हैं। जब कोई भी चीज़ फायर कैच करना स्टार्ट करती है तो वो जो उसका स्टार्ट करने वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर या फिर स्टार्टिंग टेम्परेचर। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट अ रूम टेम्परेचर, वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड्स ऑफ द मैच बॉक्स। तो जब हम लोग रब करते हैं या फिर उसको घिसते हैं साइड से मैच बॉक्स के, तभी जाकर मैच स्टिक बर्न करना स्टार्ट क्यों करती है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर बर्न
क्यों नहीं करती। अगर हमने ये डिस्कस करा था कि आखिर मैच स्टिक रूम टेम्परेचर के ऊपर जलती क्यों नहीं है और वो बर्न करना क्यों स्टार्ट कर देती है जब हम लोग उसको रब करते हैं अगेंस्ट द मैच बॉक्स, तो इसका रीज़न सिंपल है, बहुत ही इसको शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि मैच स्टिक और जो हमारा बॉक्स होता है मैच बॉक्स, उसको जब हम लोग रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो मैच स्टिक अपने इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाती है। अब इग्निशन टेम्परेचर आपको पता है वो वाला पॉइंट जहां से कोई भी चीज़ फायर कैच करना बर्न करना स्टार्ट करती है, उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। वी फाइंड दैट अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस कैनॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी चीज जब तक बर्न नहीं करती है जब तक उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। तो एक बर्निंग स्टोव के ऊपर जब हम लोग कोई भी कुकिंग ऑयल रख देते हैं और उसको बहुत टाइम तक रखे रहने देते हैं या फिर भूल जाते हैं उसे रखकर, तो वो फायर कैच कर लेता है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। जो कैरोसिन ऑयल हो गया और जो वुड हो गई वो खुद अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल बिट इट विल कैच फायर। तो क्या हो जाता है कि वो फायर कैच करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है जब हम लोग कैरोसिन ऑयल को हल्का सा भी हीट कर देते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन जब हम लोग थोड़ा बहुत भी, मतलब एक एग्जांपल यही था हमारा मैच स्टिक वाला ही, अगर हमने जलाकर मैच स्टिक को वुड के पास रखा तब वो फायर कैच नहीं करेगी, लेकिन वही मैच स्टिक अगर आपने कैरोसिन ऑयल के अंदर डाल दी तो वो फायर कैच कर लेगा। Does it means that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि जो ignition temperature kerosene oil का है वो wood से कम है? क्या है? चलो देखते हैं। Does it means that we need to take special care for storing kerosene oil? तो इसका मतलब ये है कि क्या हमें kerosene oil को carefully रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर ये बताया गया है caution be careful handling बर्निंग कैंडल। तो यहाँ पर एक्टिविटी 6.4 के अंदर ये बताया गया कि मेक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, पोर अबाउट 150 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स, हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद अ कैंडल। इन दोनों कप्स को हीट करना है किससे? सेपरेटली हमें हीट करना है कैंडल से। अब देखो ये जो पेपर कप्स हमने लिया और इनके नीचे हम लोग फायर का लगा रहे हैं, तो इस चीज़ से क्या होगा, जो हमारा वाटर है वाटर हीट अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो इसके अंदर वाला होगा जो वाटर वाला हमारा पेपर कप होगा वो फायर थोड़ी देर में कैच करेगा, और जो हमारा ऐसे प्लेन वाला कप होगा विदाउट वाटर ये वाला फायर जल्दी कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये गर्म जल्दी होगा और ये गर्म थोड़ा लेट होगा क्योंकि इसके अंदर पानी है। व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर कप, वो जल जाता है। What happens to the paper cup with water, जो पानी के साथ है वो वैसा ही रहेगा। Does water in the cup become hot, जो water है उस cup के अंदर, इस वाले cup के अंदर, तो क्या वो hot हो जाता है? बिल्कुल hot हो जाएगा। तो यही चीज़ बताई गई है हमें। अब यहाँ पर क्या बताया गया, If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup। अगर हम उसको continue heat करते रहें तो क्या हो जाएगा, boil भी हो जाएगा पानी। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, ये जो चीज़ हुई इसके लिए हम लोग इस फिनोमिना को क्या कह सकते हैं या फिर क्या समझ सकते हैं इस फिनोमिना से? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। तो क्या हो गया, कंडक्शन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गई किससे, पेपर कप से वाटर के अंदर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। तो जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो पहुंच नहीं पाया, जैसा मैंने आपको बताया था कि उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाया तो इस वजह से वो जला नहीं। लेकिन जिस पेपर कप के अंदर वाटर नहीं था उसके अंदर तो वाटर था ही नहीं, तो उसने तुरंत फायर कैच कर ली। हैंस इट डज नॉट बर्न। द सब्सटेंस विच हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इन फ्लेमेबल सब्सटेंस। तो यहां पर क्या लिखा है, कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ये याद रखना, इसका मतलब ये है वो वाली चीजें जो बहुत जल्दी
आग पकड़ लेती है, वो वाली चीज़ें जिनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। जैसे क्या हो गया, जैसे हमने दे रखा है एग्जाम्पल, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी हो गया, एसेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब ये वो वाले सब्सटेंस हो गए, और इनमें से एक और आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप अगर आपको लिस्ट करना है। ये वो वाले सब्सटेंस हो गए जो बहुत जल्दी क्या करते हैं, फायर कैच करते हैं। इस वजह से ही हमें बोला जाता है कि कभी भी पेट्रोल पंप के आसपास माचिस या लाइटर हम लोग लाइट ना करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फायर कैच करने के। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। इफ़ यू हैव सीन सच अ एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। तो ऐसा हम लोगों के साथ हो ही रखा है कि हमने देखा होगा किसी के घर में आग लग गई या फिर हमारे घर में आग लग गई, और कभी ऐसा अगर एक्सपीरियंस है तो उसे नोटबुक में लिखो। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि दिवाली के टाइम पे मेरे घर में आग लग गई थी। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया, फायर सर्विस का आपको टेलीफोन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो दैट टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस, फायर सर्विस या इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर सबको पता होने चाहिए। जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स की बात है, सब बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, सबको पता होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है फायरमैन कैसे, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो फायर विकेट से या फिर फायरमैन आकर कैसे फायर को ख़त्म कर देते हैं। ये वाटर को यूज़ करके जहाँ पर आग लगी होती है उस अफेक्टेड एरिया पे पानी डाल देते हैं। तो ये चीज़ है, हम लोग फायर को इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। डज योर सिटी/टाउन हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन? हाँ, होगा फायर ब्रिज स्टेशन, ज़रूर होगा, पूछना अपने पेरेंट्स से। व्हेन अ फायर ब्रिज अराइव्स, व्हाट डज इट डू, क्या करती है वो, पानी डाल देती है। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वाटर कूल्स द कम्बस्टेबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब क्या होता है, यहाँ पर भी देखो साइंस छुपी हुई है। साइंस क्या छुपी हुई है, देखो जो इग्निशन टेम्परेचर है, जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है जिससे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है, अगर हम उसके ऊपर वाटर डाल देंगे तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फायर लगना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रिवेंट कर लेते हैं हम लोग वाटर डाल के। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कम्बस्टेबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो भाप बन जाती है हम लोग पानी डालते हैं जब, तो जो आसपास भाप होती है वो भी क्या कर देती है, वो एयर को आने जाने से ब्लॉक कर देती है। तो इस वजह से भी उसको प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं मिल पाती, तो जो भी चीज़ होती है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, वो जल नहीं पाती। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, इस तरीके से फायर खत्म हो जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। क्या थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, फ्यूल है, एयर है और ऑक्सीजन। मतलब मेन जो हमारी एयर है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन और हीट। तीन चीज़ें हो गई, फ्यूल, एयर और हीट। हीट किस लिए चाहिए, जिससे कि हम लोग जो भी चीज़ को हम लोग बर्न कर रहे हैं, जिस भी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर पहुंच पाए। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। नोटिस दैट द फ्यूल इज दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैनॉट बी। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जो फायर मैन, जो फायर मैन होता है उसकी क्या एक जो मेन जॉब होती है कि इन तीनों चीज़ों में से, या तो फ्यूल या एयर या हीट, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को कट कर दे वो। अगर वो एयर को कट कर देगा तब भी फायर नहीं हमारी लग पाएगी, अगर वो हीट को कम कर देगा तब भी फायर नहीं लग पाएगी, फ्यूल को कट कर देगा तो क्या हो जाएगी, तब भी फायर नहीं लग पाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया, नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केस कैनॉट बी इलेमिनेटेड। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेज फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। तो यहाँ पर फ्यूल क्या होता है, मोस्टली जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग में आग लग गई तो वो पूरी बिल्डिंग एक तरीके से फ्यूल की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि वो फायर को प्रमोट कर रही है। तो इस वजह से फ्यूल को कट ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ईजी क्या रहता है, या तो हम ऑक्सीजन को कट कर दें या फिर हम हीट को कम कर दें। यहाँ पर बताया गया द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, जो सबसे ईजीली अवेलेबल है और जो सबसे कॉमन है वो क्या है, पानी है। बट वाटर वर्क्स ओनली वेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर।
इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। तो यहां पर क्या बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसके अंदर खराबी हो जाती है और अगर हम लोग पानी डाल देते हैं उसके ऊपर, तो जो पानी डालने वाला होगा उसे ही करंट लग जाएगा। तो क्या होता है इस केस में, हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर इज नॉट सूटेबल, तो इस वजह से पानी इस केस में सूटेबल नहीं होता। वाटर इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, जहां पर ऑयल और पेट्रोल होता है वहां पर भी अगर आग लगी ऑयल और पेट्रोल की वजह से, वहां पर भी हम लोग वाटर को नहीं यूज कर सकते। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल, ऑयल से क्या होता है हैवियर, वाटर होता है, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड द ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप। तो यहाँ पर भी एक साइंस छुपी हुई है, मान लो कहीं पे पेट्रोल की जगह पे या ऑयल की जगह पे बहुत ज़्यादा फायर लग गई, तो वहाँ पर आपने पानी डाला तो पानी तो क्या होगा नीचे चले जाएगा और ऑयल ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा और वो जलता रहेगा। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जहाँ पर किसी भी ऑयल वगैरह से लग रही है आग, बर्न हो रही है, पेट्रोल वगैरह इन्वॉल्वड है, तो वहाँ पर क्या बेस्ट रहता है, या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वहाँ पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूज़ करते हैं। CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर, CO2 बींग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो वो क्या करती है, आपको ऐसा दिखेगा कि एक वाइट कलर की चीज़ ने पूरी फायर को कवर कर लिया है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल्ड। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी फायर को तो वो क्या होगा, फायर जलना ही बंद हो जाएगी। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेज इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो मोस्टली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी हार्म नहीं करती, उन्हें खराब नहीं होने देती, ये भी बेस्ट चीज है इसकी। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी स्टोर्ड एट अ हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन अ सिलेंडर तो ये जो आपको दिख रहा है ये होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, ये स्कूल के आसपास भी लगा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको किसमें हम लोगों ने हाई उसको स्टोर करके रखा होता है हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर। तो इसका क्या एडवांटेज हो जाता है, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इस सिलेंडर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, अगर कभी भी फायर वगैरह कैच होती है तो हम लोग इन सिलेंडर्स को यूज करते हैं। वैसे तो पाइप्स भी अवेलेबल होते हैं लेकिन ये भी सूटेबल चीज है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम लोग एक मैचस्टिक ले लें या फिर एक लाइटर ले लें और उसको जो स्टोव है उसके पास में जाके ऑन करके जला दें तो वो फायर कैच कर लेगा। लेकिन सोचो अगर हम लोगों ने उसी गैस स्टोव का जो स्विच है उसे ओपन छोड़ दिया गलती से तो क्या हो सकता है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जो गैस होती है वो बर्न करती है और क्या करती है, बहुत रैपिडली बहुत जल्दी हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जो मैंने तुम्हें बताया है कि सोचो अगर हम लोग गैस सिलेंडर को या गैस स्टोव को ओपन छोड़ देंगे तो क्या हो सकता है, इसका जवाब जितने भी बच्चे हैं फटाफट जाकर कमेंट सेक्शन में लिख दो। कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, सच कंबशन, जिनमें बहुत जल्दी फायर कैच होती है, जिनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, उन वाले कंबशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। देर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं फॉस्फोरस जैसे जो बर्न करते हैं हवा के अंदर, जो आग पकड़ लेते हैं हवा के अंदर सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर के अंदर, मतलब उनमें कोई आपको माचिस से भी आग लगाने की जरूरत नहीं है, इग्निशन टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही फायर कैच कर लेते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मेटीरियल सडनली ब्रस्ट इन टू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो जहाँ पर ऐसा हो, जहाँ पर हमें ना माचिस की जरूरत पड़ रही ना किसी भी सब्सटेंस की जरूरत पड़ रही और वहाँ पर तुरंत फायर कैच हो रही है, समझ रहे हो आप लोग, तुरंत फायर कैच हो रही है ना, हमने इधर माचिस यूज़ करी ना लाइटर यूज़ करा, इधर अचानक से सब्सटेंस फायर कैच कर रहा है, तो इन वाले केसेज में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस वाले कंबशन को Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. Spontaneous forest fires are
समटाइम्स ड्यू टू द हीट। तो इनकी वजह से बहुत बारी क्या हो जाता है, कभी कभी कोयले की खदान में आग लग जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में भी फायर कैच हो जाती है। तो ये हमें बताया गया है। We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place. With the evolution of heat, light, sound, a large amount of gas is formed in the reaction, is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place in if pressure is applied on the cracker. यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो जब हम लोग बर्न करते हैं तब सडनली क्या होता है, जब भी हम किसी क्रैकर को, रॉकेट को, अनार को, कोई भी बॉम्ब है उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, वो अचानक से रिएक्शन होता है उसके अंदर और वो अचानक से फट जाता है। और जब वो फटता है तब वो हीट, लाइट और साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और इन वाले रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर, अगर हम लोग किसी क्रैकर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई कर दें तो उसकी वजह से भी एक्सप्लोजन हो सकता है। फ्लेम क्या चीज़ होती है, ऑब्जर्व अ एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिवर इन क्लास 7, इफ यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन द 6.2 यू कैन डू दैट नाउ, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स ऑफ फ्लेम और नॉट। तो यहाँ पर देखो सिंपल चीज ये बताई गई है कि हम लोग जब देखते हैं कि कैंडल बर्न करती है और मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोगों ने बर्न होते हुए देखा था, तो इनके केसेस में क्या होता है, जब एक कैंडल बर्न करती है तब वो ये दिख रहा होगा आपको येल्लोइश टाइप की लाइट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जब हम लोग गैस को जलाते हैं तो यहाँ पर देखा होगा आपने ब्लू कलर की, क्या ब्लू कलर का फ्लेम निकल रहा है। तो ये होता है डिफरेंस, बेसिक यहाँ पर ये बताया गया है आपको, जो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम के बारे में पढ़ने वाले हैं अब हम लोग। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि कैंडल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ड्यूरिंग बर्निंग क्या हो रहा है, वो कैंडल ख़त्म हो रही है, वेपर्स के अंदर बदल रही है और हमें क्या दे रही है, फ्लेम्स दे रही है, मतलब आग दे रही है जो ये जल रही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, और दूसरी चीज़, चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, चारकोल वेपराइज नहीं होता एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो इस वजह से चारकोल कोई किसी भी टाइप का फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द गैस ट्यूब बी कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर क्या आ गया कि क्या जो वेपर्स होते हैं, क्या ये जो हैं वेपर्स जो गैस के हमारे जो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कैंडल के वेपर्स, तो ये जो वेपर्स हैं क्या इनकी वजह से ये फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, ये पूछा गया है। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, यहाँ पर एक हमें एक्टिविटी बताई गई, क्लीन ग्लास प्लेट रखनी है, स्लाइड इन टू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, इसको कहाँ पर स्लाइड करना है, ल्यूमिनस जोन, जहाँ पर आग जल रही है वहाँ पर हमें स्लाइड करना है, मतलब एक छोटी सी प्लेट लेनी है, ग्लास प्लेट, और उसको वहाँ पर स्लाइड कर देना है। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 seconds, देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब तुम उसको हटा दोगे थोड़ी देर के लिए रखोगे उसके पास में और फिर उसको हटा दोगे तो तुम देखना क्या चीज़ तुम्हें नोटिस करने को मिलेगी। ये देखो ऐसे करके रख दोगे आप और फिर थोड़ी देर बाद उसको आप नोटिस करोगे तो देखोगे ऐसे कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप का कुछ बना हुआ है, अ सर्कुलर ब्लैकिश, सर्कुलर है, ब्लैकिश है, इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लैश स्लाइड, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो यहाँ पर क्या है, वो वाले कार्बन के पार्टिकल्स जो जले नहीं हैं उनके बारे में यहाँ पर ये बताया गया कि ये वो फॉर्म हो जाते हैं इसके ऊपर। Hold a thin long copper wire just inside the flame for about 30 seconds, एक thin long copper wire लेनी है और उसको जलती हुई मोमबत्ती के बीच में रख देना है। अब यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot, जो बाहर का portion है वो कैसा हो जाएगा, red hot हो जाएगा, wire outside the flame gets red hot, does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature, in fact
दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट. यहाँ पर क्या बताया गया, नोटिस द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, जो बाहर है फ्लेम के कॉपर वायर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन. तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि गेट्स रेड हॉट. Does it indicate that non-luminescent zone of the flame has a high temperature? क्या ये indicate करता है कि जो ये वाला portion है ये ज़्यादा आपको दिख रहा है reddish color का, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर वाला कुछ part है यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है as compared to अंदर, तो क्या है इसका पता करते हैं. In fact, this part of the flame is the hottest part. तो ये वाला जो part होता है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, हॉट होता है. इस वजह से यहाँ पर ये हीट रेड कलर आ गया है कॉपर वायर के अंदर. इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट. गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन्स ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. व्हाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. तो ये जो हमारी गोल्डस्मिथ्स के बारे में बात हो रही है, ये लोग क्या करते हैं, ये गोल्डस्मिथ ब्लो करते हैं द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप. एक मेटेलिक ब्लो पाइप होता है उनके पास इस टाइप का, इसको वो यूज़ कर आउटर मोस्ट जो जोन होता है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसको मेल्ट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर को. तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा यहाँ वाला एक कैंडल का, ये वाले पोर्शन सबसे हॉटेस्ट होते हैं, जैसा इधर डायग्राम में बताया गया है हम लोगों को. प्रॉपरली इस डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, तो आप देख सकते हो. यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज फ्यूल. रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या क्या है हमारा, वो है वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एसेट्रा. These substances are called fuels. इनको क्या बोलते हैं हम लोग, fuels बोलते हैं. A good fuel is one which is readily available, जो आसानी से available है, थोड़ा सा सस्ता है और burns easily in air at a moderate rate. मतलब जो बहुत ही आसानी से burn होता है air के अंदर, moderate rate मतलब कि continuously burn होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से fuel बहुत ज़्यादा burn हो गया. It produces large amount of heat और बहुत ज़्यादा heat produce करता है. It does not leave behind any undesirable substance. कोई ऐसा substance पीछे नहीं छोड़ता जो harmful हो. There is probably no fuel that could be considered as a ideal fuel. ऐसा कोई भी दुनिया के अंदर fuel नहीं है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अरे ये तो सबसे best fuel है, इसका तो कुछ disadvantage है ही नहीं. किसी ना किसी फ्यूल का कोई ना कोई डिसएडवांटेज होगा. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. कोई भी पर्टिकुलर यूज़ के लिए हम लोग ऐसे फ्यूल को ढूंढना चाहिए जो कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दे. फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट. फ्यूल्स की डिफरेंट कॉस्ट होती है. अगर आप देखोगे पेट्रोल को और आपके जो घर में खाने वाला ऑयल होगा, कुकिंग ऑयल, उनकी भी डिफरेंट कॉस्ट होगी. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स. कुछ जो फ्यूल्स होते हैं वो सस्ते होते हैं और उससे. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स एज इन टेबल 6.3 के अंदर हमें मेंशन करना है उन सारे फ्यूल्स को. जहां पर ये दे रखे आपको 6.3, इसके अंदर मेंशन कर देना है. फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग. सपोज यू वर asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. अब यहाँ पर हमें तीन फ्यूल दे दिए, क्या तो cow dung, एक दे दिया coal और एक दे दिया LPG. तो यहाँ पर हमें उनको बर्न कर क्या करना है, पानी को बॉयल करना है. विच फ्यूल वुड यू प्रेफर. तो तुम कौन सा फ्यूल प्रेफर करोगे. मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सब लोग LPG को ही प्रेफर करेंगे. गिव योर रीज़न. ईजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको और जल्दी जल्दी से हो जाएगा ये गर्म. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो आप लोग, लेकिन जो सबसे हम लोग देखेंगे सबसे बेस्ट फ्यूल है इस केस में LPG है. डू दीज थ्री फ्यूल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं क्या, ये नहीं. ये LPG एज कम्पेयर टू दीज थ्री ज़्यादा करेगा और सस्टेनेबल अमाउंट के लिए करेगा. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कम्प्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. तो यहाँ पर क्या बताया गया, द अमाउंट ऑफ हीट, कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ऑन कम्प्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg. मतलब 1 kg फ्यूल को जलाकर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हीट एनर्जी
उस फ्यूल के हम लोग क्या कहते हैं, इसको कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट। जो इसकी यूनिट होती है वो कौन सी होती है, जूल और पर केजी, जूल पर केजी होती है, किलो जूल पर केजी, ये होती है इसकी। कैलोरिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। कुछ फ्यूल्स की हमें कैलोरिक वैल्यू दे रखी है टेबल 6.4 के अंदर, जिसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आप लोगों को जस्ट अंडरस्टैंड करना है, हायर क्लासेस में हम डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर जस्ट इतना ही बताया गया है कि एक केजी फ्यूल यूज़ होता है, जितनी एक केजी फ्यूल को हमने बर्न करा और उससे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, किलो जूल पर केजी। यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी क्या क्या दे रखा है हमें। तो यहाँ पर हमें बताया गया काउ डंग केक है वो 6000 to 8000, वुड 17000 to 22000, और अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा है। तो ये हम लोगों का क्या है, सीक्वेंस वाइज दे रखा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो ये जो कुछ कार्बन के फ्यूल्स हैं, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये अनबर्न्ड जो आधे जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिलीज कर देते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज अस्थमा। तो इन फ्यूल्स के जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हो गए, इनसे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, हमारी अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं कार्बन के पार्टिकल्स की वजह से। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऑल्सो। ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस विच आर lost when wood is used as fuel. Moreover, cutting of trees lead to deforestation, which is quite harmful. तो यहाँ पर यही बताया गया कि अभी भी इंडिया के अंदर बहुत जगह ऐसी हैं, बहुत गांव वगैरह ऐसे हैं जहाँ पर वुड को यूज़ करा जाता है एज अ मेन सोर्स ऑफ फ्यूल। Incomplete combustion of this fuel gives carbon monoxide gas. तो अगर इनमें से कोई भी फ्यूल हम लोगों का प्रॉपरली नहीं जलाया जाएगा, नहीं जलेगा, तो वो क्या चीज़ रिलीज कर सकता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज कर सकता है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, बहुत जहरीली होती है, बहुत डेंजरस होती है। और टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। जो हमारा कोल होता है वो भी बहुत डेंजरस होता है अगर आप उसको एक बंद कमरे के अंदर चलाएंगे तो। इससे बहुत लोगों की डेथ भी हुई हो जाती है और हुई भी है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर आप सो गए आराम से कोयले जला कर, आपको लग रहा है ओहो बड़ा गर्म कमरा है, तो आप फिर सोते के सोते ही रह जाओगे। अब यहाँ पर बुजो कुछ पूछना चाहता है, ओ सो दैट इज वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मोदरिंग कोल फायर इन इट। तो ये यही बोल रहा है कि अच्छा, इसीलिए बोलती है मेरी मम्मी कि बेटा कोयले आसपास रख के या थोड़े बहुत जलते हुए जलते हुए कोयले कमरे में क्लोज करके मत सोना उस रूम को। तो ये बता रहा है हमें बूझो। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये हमने पिछले चैप्टर में हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल releases sulfur dioxide gas. It is a extremely suffocating and corrosive gas. तो ये क्या, बहुत ज़्यादा suffocating और corrosive gas है, बहुत खतरनाक टाइप की गैस है, suffocate कर देती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को इस गैस से। Moreover, petrol engines gives off gaseous oxide of nitrogen. जो petrol के engines है वो क्या, gaseous oxide of nitrogen देते हैं। Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acids. Such
रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो क्या होता है, ये जो हम लोग चलाते हैं अपने पेट्रोल के व्हीकल्स, इनके जो ऑयल होते हैं ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जब बर्न करते हैं, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं ये लोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ये उड़कर कहाँ पर पहुँच जाती है, ये पहुँच जाती है रेन वाटर के अंदर। और जब रेन वाटर बारिश होना स्टार्ट होती है तो ऐसी बारिश को हम लोग, जिसके अंदर ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स एंड सॉइल, सॉइल के लिए भी हार्मफुल होती है और बिल्डिंग्स के लिए भी हार्मफुल होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट, क्लास 7th के अंदर हम लोगों ने इस टॉपिक को कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल, अब यहाँ पर देख रहे हैं यूजेज ऑफ डीजल और पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, सीएनजी इज अ क्लियरर फ्यूल। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हम लोग आजकल ये देख रहे हैं कि जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी कार्स हैं, जो भी बसेस हैं, उनके अंदर जो पेट्रोल और डीजल यूज़ करती हैं उनको रिप्लेस करके कौन सी वाली गैस वाले ज़्यादातर आजकल हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सीएनजी वाले। सीएनजी वाले नहीं मिल रहे तो दूसरे भी हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो हैं स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है आजकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हैं। तो यहीं पे इस चैप्टर को खत्म करते हैं बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देख के सब्सक्राइब ना करने वालों को माता रानी पाप लगाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।